हम यम है हम। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेम विवाह की बात करने की? पोते जीवन प्रीत और पोते मिलन प्रीत। पर दादाजी आप ही तो चाहते थे कि कोमल प्रीत का पति शक्तिशाली हो, संस्कारी हो, जो कोमल प्रीत की रक्षा कर सके। और प्रभु जी से ज्यादा शक्तिशाली और संस्कारी आज तक मैंने देखा ना है। क्यों भाई मिलनप्रीत? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जीवनप्रीत। पापा जी, प्रीत परिवार की खुशी के लिए अगर आप उससे एक बार मिली लो तो इसमें हर्जी क्या है? और ठीक है बेटे करणप्रीत, तू कहता है तो मिल लेंगे। लड़का पसंद आया तो हाँ कर देंगे, वरना गोली मार देंगे। बहुत ही बढ़िया दादाजी। भाई सुनो, एक और जल्दी डिसेंट कॉलेज जाके यम सर से बोलो कि जीवन प्रीत और मिलिन प्रीत ने खाने पे बुलाया। पोते जीवन प्रीत, लगता है तुम्हारे प्रभु मेरे सामने आने से डर गए। खैर कोई बात नहीं। ओ देखो देखो, ओ मक्खी आ गई। इस मक्खी ने आपका क्या बिगाड़ा? यदि आप अपना घर स्वच्छ रखेंगे तो ये मक्खियां अपने आप चली जाएंगी और आप इस घर के सबसे बड़े प्रतीत होते हैं। इसीलिए हमने आपकी गोली तोड़ी नहीं, केवल पकड़ ली। खेली दादाजी। पापा जी, रे प्रभु जी, जब से एक्सीडेंट हुआ 5 साल से आज तक खड़े ना हुए मेरे दादाजी। और हमारे पापा जी इतनी साल में पहली बार खड़े हुए हमारे दादाजी। अरे पहली बार ऐसा चमत्कार भी तो देखा है हमने। आज तक मैंने किसी आदमी को हाथ में गोली पकड़ते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये आम आदमी नहीं है, ये प्रभु है जी। अरे प्रभु जी, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम दोनों कोमल प्रीत के भाई हैं। आपने बताया नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु जीवन प्रीत जी, हैरानी हुई अवश्य हुई। और आपको जानकर यो भी हैरानी होगी कि कोमल प्रीत बहन का वो पत्र हमने पढ़ लिया था। मने सब बेरों से उसके प्रेम के बारे में। अच्छा, तो मिलन प्रीत जी, अब तो आप सब जानते ही है, तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लड़का बड़ा बहादुर है और दिल का बहुत अच्छा है। चित्रगुप्ता जी, यो बात तो थारी मैं मानता हूं। हम भी मानते हैं कि लड़का है बड़ा संस्कारी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो आपकी लड़की से बहुत प्रेम करते हैं जी। सत्य बात है, किंतु जब तक घर के बड़े बुजुर्ग हाँ नहीं कहते हैं ये बात आगे नहीं बढ़े, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये प्रेम अधूरा रह जाएगा। देखा दादाजी, मैं कहता था ना लड़का बहुत संस्कारी है। अब तो फैसला आपके हाथ में है पापा जी, बस। ठीक है, हमें लड़का पसंद है। तो
क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें ये खुशखबरी सबको जाके बतानी है। धन्यवाद 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 मिलनप्रीत जी। पोते जीवनप्रीत, पोते मिलनप्रीत और बेटे करणप्रीत जी, लड़का बहुत ही संस्कारी है, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप लोग जाकर उसके घर में बात पक्की करो। क्या? मेरे इयर्स को बिलीव नहीं होती, हमारा रिश्ता पक्का हो गई। पक्का हो गया पुत्र, रिश्ता पक्का हो गया। ये तो कमाल हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे घर वाले मान गए। जब प्रभु ने ही ठान लिया था आप दोनों को मिलाने का तो उनको तो मानना ही था। आप दोनों मेरी लाइफ में गॉड बन के आई है। कोमला कोमला, अब हमारी भी शादी होगी, हम भी लव ड्यूट गाएगा, हनीमून पे जाएगा, तुम्हारे साथ खुश के नाचेगा। प्रभु, जब हिंदुस्तानी चलचित्र में प्रेमी युगल मिलते हैं तो ऐसे ही गाते और नाचते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। पप्पू आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच सर। चलो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय सर। बाय बाय कोमल। पप्पू पुत्र, वैसे आप रुके कहाँ हुए? जहाँ जगह मिलती अपन वहीं सो जाते। अपना यहाँ है कौन? ना फैमिली है, ना कोई दोस्त, पैसा भी नहीं है ना, चोरी हो गया, नहीं तो मैं होटल में रह जाती। यदि ऐसी बात है पुत्र, तो जब तक आपकी शादी नहीं होती है आप हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हैं। मैं पूरा भरोसा है बिंदिया बहन और बबलू पापा आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अयो थैंक यू सो मच। हमरे भैया शादी कर रहे हैं जी। उबे प्रेम विवाह? हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी बेटी कोमल से बहुत प्यार करते हैं। अरे बबलू पापा एक बात पूछें, अरे हमरे भैया तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले हैं। छुपे रुस्तम क्या निकले, वो तो शुरू से ही छुपे रुस्तम है, हर चीज छुपा के करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, आप ये रिश्ते की बात करने बंदूक लेके आए? अजी आप बिल्कुल ये बंदूकें देख के डरिए बिल्कुल ना। अजी हमारा तो पूरा खानदान ही पुलिस वालों का है। तो ये बंदूक तो बहुत जरूरी है। और भाई, ये पुलिस वालों का काम है बंदूक रखना। अब आप तो पुलिस वालों के रिश्तेदार बनने जा रहे हो, और रही बात यम भाई की, वो तो हम संभाल लेंगे। क्यों भैया मिलनप्रीत? जी भैया जीवनप्रीत, और यम जी तो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनके दुश्मन भी बहुत होंगे ना, तो अगर अब उनके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो क्यों भैया जीवनप्रीत? हाँ भैया मिलनप्रीत। वैसे आपके जीजा जी के लिए आप लोगों के विचार बड़े अच्छे हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक बात पूछूं, वैसे आपकी बिटिया के साथ वो कहाँ रहेंगे, आपने पूछा उनसे? अरे कहाँ कहाँ रहेंगे, हमरे इस घर में रहेंगे, हमरे भैया हैं, कोनों के घर जमाई बन के थोड़ी रहेंगे। भाई साहब आप तो रिश्ता पक्का समझिए, हम आज ही शाम को बस शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो खुद चाहते चट मंगनी तट ब्याह। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी पत्नी आ रही है, फिर बच्चे आएंगे, फिर पुश्ते पलेंगी इनकी इसी घर में। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे घुसपैठिए आज तक मैंने नहीं देखे, बड़ी बुरी तरह से चिपके हैं मुझसे। चलते, नमस्कार। नमस्कार। मैं भी बाजार जाके आता हूँ जरा, और एक क्लाइंट से भी मिलना है। अच्छा ठीक है, मेरे भैया की शादी होगी, जब जाएगा।
महाराज हमें भूख लगी है। प्रभु महिष पुत्र को अगर आप पप्पू पुत्र के सामने खिलाएंगे तो वो डर जाएंगे। उचित बात कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। पप्पू पुत्र हा? आप भीतर जाइए और हमारी बहन से मिलिए, हम कुछ ही क्षण में आते हैं। ओके मजा आती। आज विंध्या को नया चाकू दिखा के सरप्राइज करूंगा। हर बार कहती रहती है ना चाकू की धार ठीक नहीं है, सब्जियां नहीं कटती, ये नहीं होता। आज करूंगा सरप्राइज। अयो अम्मा ये आदमी उस औरत को चाकू मारने को जाती, हमको कुछ करना पड़ेगी। ये आपको मारने को आती, चोर है शायद, हम यम सर का दोस्त होती। विंध्या बहन क्या हो रहा है ये? वो घर में चोर घुसा है। ये आदमी इनको चाकू मारती, जाके मैं इसको कमर में लपेट के मारती। पप्पू पुत्र छोड़िए उन्हें, चादर हटाइए उनकी। देखो सकल से चोर लगती। अबे चुप। ये हमारे जीजा जी हैं। हाँ तुम्हारा जीजा जी चोर हो? विंध्या घर में लोग मुझे पीटने के लिए भी लाने लग गए। विंध्या ये तुम्हारा सुहाग उजड़वा कर रहेंगे, तुम विधवा हो जाओगे। बहुत पीड़ा में हम क्षमा चाहते हैं बबलू पापा, ये हमारे मित्र हैं, इनसे समझने में थोड़ी भूल हो गई होगी। कोई भूल नहीं हुआ, ये आदमी इसको मारने को जाती चाकू लेके। मेंटल जोकर, मैं अपनी बीवी के लिए सब्जी काटने के लिए चाकू लाया था। अरे ये सब बात का टाइम नहीं, बबलू पापा चलिए आपको सेक कर देते हैं, आ जाइए। पुत्र आप यही रुकिए, हम आते हैं। चलिए प्रभु। गलती हो गया। हाँ चित्रगुप्त जी आराम से आइए 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 आइए। तकिया तकिया। जी 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 जी। ओह बैठिए बैठिए। तकिया रखने को कहा था मुझे। क्षमा कीजिए बबलू पापा, तुम मुझे ये लीजिए। मार दोगे तुमने, ये आदमी जरूर मुझे पीटने के लिए बुलाया होगा पक्का। तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए प्रभु कितना प्रेम करते हैं बबलू पापा हमसे, अब भी कह रहे हैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे बबलू पापा। चुप। बबलू पापा वो हमारे मित्र है पप्पू पुत्र, और हमने उन्हें वचन दे दिया है कि वो यही हमारे साथ रहेंगे। तुम क्या वचन दे? तुम क्या वचन देते फिरते हो? घर मेरा, वचन तुम देते फिर रहे हो? पूरे के पूरे गांव को क्यों नहीं बुला लेते हमने? आराम। प्रभु बबलू पापा कह रहे हैं यमलोक से सबको बुला लीजिए। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा। भैया नाराज तो हम भी आपसे बहुत हैं। अरे इसलिए नहीं है कि आपका वो दोस्त घर में रहेगा, वो तो जितने दिन चाहे रह सकता है। भैया अब शादी की बात करके आए और हमको बताया तक नहीं। या बहन आपको कैसे पता चल गया? अरे वो आए थे ना कोमल प्रीत जी के पिताजी और भैया, वो शादी की बात करने आए थे। हम तो आज शाम को शगुन भी पक्का कर दिए हैं। हाँ अरे भैया हम कहा बताएं, हम तो शादी की बात से बहुत ही खुश हैं। यहाँ तुम्हारे पति की हड्डियां टूट गई हैं और तुम खुशी मनाओ। अरे सेक करो। हो पर चित्रगुप्त जी शगुन का न्योता देने वो यहाँ क्यों आए थे? प्रभु पप्पू पुत्र के शादी की बात तो उन्होंने हमसे की थी ना, तो ये स्वाभाविक है कि उन्हें न्योता देने यही आना था। वैसे वो लोग पप्पू पुत्र को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है ना। उचित बात कह रहे चित्रगुप्त जी। विंध्या बहन अच्छा हमको शगुन के लिए हम सब साथ मिलके जाएंगे। अरे वाह विंध्या जी क्या कर रही हो? ओ बेटा करणप्रीत आए नहीं अभी तक? बोलो पापा जी इंतजार ही कर रहे हैं हम भी। लो जी लड़के का परिवार वाला आ गए। आ गए जी आ गए। फायर
भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये जो भी कुछ किया है ये मेरे सालों ने किया होगा, हमने कुछ नहीं किया। ये गोली जी, आप घबराइए मत, हमारे यहाँ लड़के वालों का स्वागत 5 से नहीं 21 गोलियों की सलामी से होता है। आ जाइए आ जाइए। अरे भाई साहब, पीछे कर दीजिए, इसको लग जाएगी। हम तो डरी गई थी, हमको लगा कहीं गोली वाली से तो नहीं मारने वाली। तुम बालक कौन है भाई जीवनप्रीत, जो सबके प्यार छूने लग रहा है? इनका नौकर होगा, शक्ल से भी लगता है। जी डरने की कोई बात ना है। जसप्रीत दूल्हे को टीका लगाओ। आपको भी टीका लगाया जाएगा, पहले मैं यमजी को लगाऊं? दूल्हे से पहले जेठ को टीका? साउथ में ऐसा नहीं होती। साउथ में ऐसा नहीं होता, यहाँ क्यों हो रहा है? यह प्रथा है, प्रथा। प्रथा है चित्रगुप्त जी। समझ नहीं आता हमको, कोई टीका क्यों नहीं लगाती? नौकर को ज्यादा वो नहीं लग रहा भाई जीवन को। अरे भाई घर का मेंबर जैसा हो गया है। ओ अब देखना मजा। लो जिसको भी लगा दो टीका। अरे ठीक है ठीक है, लड़का बहुत ही संस्कारी है। आइए अंदर चलते हैं। आइए आइए एक बात पूछें, हम तो ना इस रिश्ते से बहुत ही खुश हैं। अयो मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ, बल्कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अगर मेरा मम्मी डैडी इधर होता तो आज कितना हैप्पी होता। लेकिन यहाँ यही मेरा परिवार है। ये नौकर को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा भैया जीवनप्रीत? परिवार का ही हिस्सा है भाई मिलनप्रीत। हम वादा करती है शादी के बाद कोमल को बहुत खुश रखेगा। कहना चाह रहा है कि कोमल को शादी की बात खूब सेवा करेगा। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे नौकर? देखा कितना संस्कारी है जी। बस आप सब बड़ों का आशीर्वाद। अरे बस बस बेटा बैठ जाओ। चलिए हम सब बड़े तो आपस में बातचीत करते ही रहेंगे, इन दोनों बच्चों को भी एकांत में बात करने का मौका दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। कोमल बेटा तुम्हें इन्हें ले जाकर अपना घर दिखाओ, जाओ बेटा। अरे बेटा तुम क्यों खड़े हो गए? अरे घर देखने तो यमजी जाएंगे। ये पप्पू पुत्र को घर दिखाने के बजाय हमें घर देखने को क्यों बोल रहे हैं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।